रायपुर इस वर्ष शारदीय नवरात्र 10 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है। दुर्गा की मूर्तियों को मूर्त रूप देने के लिए मूर्तिकार भी पूरी तैयारी में जुट गए हैं। रायपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार पीलू राम साहू ने बताया कि इस वर्ष उनके द्वारा 125 मूर्तियां बनाई गई है और मूर्तियां खरीदने के लिए लोग अन्य जिलों से भी आते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्र 10 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, जहां लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। दुर्गा की मूर्तियों को मूर्त रूप देने के लिए मूर्तिकार भी पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। रायपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार पीलू राम साहू ने बताया कि वो बचपन से इस काम को करते आ रहे हैं। वे खुद 13 साल की उम्र से मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। पिछले 25 सालों से वो जिले में मूर्ति बनाने का काम करते आ रहे हैं। साल में 7-8 महीने गणेश, विश्वकर्मा और दुर्गा की मूर्तियां बनाते हैं। उन्होंने बताया कि वो मूर्ति के निर्माण में ज्यादातर मिट्टी का उपयोग करते हैं और मिट्टी की मूर्ति खरीदने के लिए वो लोगों को जागरूक भी करते हैं, ताकि पर्यावरण प्रदूषित ना हो और विसर्जन करने वाली जगह भी दूषित ना हो। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दुर्गा माँ की प्रतिमा के लिए लोगों की तरफ से काफी ऑर्डर आ रहे हैं, जिनमें से रायपुर, बालोद, राजनांदगांव ऐसे कई जगह शामिल हैं। देखते हुए अभी नवरात्रि का तैयारी बहुत ही जोरों से है और इससे मतलब इतना उत्सुकता नजर आ रहा है इस साल, मतलब मिट्टी की मूर्ति बैठाने के लिए, मतलब लोगों में, मतलब हमारे यहाँ अभी 125 दुर्गा जी का मूर्तियाँ बना हुआ है और लोग बहुत दूर दूर से आ करके यहाँ मतलब मिट्टी के मूर्ति ले ऑर्डर दिए हैं और ले जा करके बैठाने की तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ से मतलब बालोद है, जगदलपुर है, इधर बैला डीला है, इधर मतलब इतना दूर दूर तक की मिट्टी की मूर्ति ले जाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अब लोग मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए ज्यादा लोगों को उत्साह करते हैं। हाँ, मतलब मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए इसलिए अपन प्रेरित कर रहे हैं, सामने देखिए कैमरा, इसलिए प्रेरित कर रहे हैं कि मिट्टी जो है आसानी से बिल्कुल घुल जाता है और मिट्टी में मिट्टी मिल जाता है, इसीलिए अपन मिट्टी का मूर्ति पर्यावरण प्रदूषण न हो करके, हाँ पर्यावरण प्रदूषण न हो ऐसे करके उसको प्रेरित करते हैं अपन लोग और उससे मतलब किसी को कोई प्रकार का हानि नहीं हो पाता। रायपुर से श्याम पटेल की रिपोर्ट।